अच्छा ठीक है, इनकैप्सुलेशन की एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल जिसके लिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की एक क्लास बनाई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ जो इनकैप्सुलेशन की पहली कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ प्राइवेट, और इसका नाम मैं इसको डेटा टाइप इंटीजर देता हूँ, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, ठीक है। स्टूडेंट आईडी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, फिर यहाँ पे प्राइवेट, उसके बाद यहाँ पे कह देता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे दूसरा ले लेता हूँ स्टूडेंट नेम, ठीक है। स्टूडेंट नेम यहाँ पे कर लेते हैं, और फिर उसके बाद प्राइवेट इंटीजर, यहाँ पे इसको कह देता हूँ मैं एज, ठीक है, स्टूडेंट एज, सही है। और यहाँ पे फिर आते हैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट इंटीजर, या इसको हम स्टैंडर्ड के तौर पे स्ट्रिंग रख लेते हैं, ठीक है, मतलब क्लास स्टूडेंट की, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ स्टूडेंट स्टैंडर्ड, सही है, ठीक है। फिर लास्ट में हम रखते हैं इसकी फॉर एग्जाम्पल फीस, ठीक है, प्राइवेट इंटीजर, यहाँ पे स्टूडेंट फीस, ठीक है। ये मैंने कुछ प्राइवेट और इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इनका हम बनाते हैं सबसे पहले सेटर्स एंड गेटर्स, ठीक है। तो सेटर्स एंड गेटर्स बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल एक हम शॉर्ट तरीका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस शॉर्ट तरीके को भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट यूज करता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट हम यूज करते हैं अल्ट इंसर्ट, ठीक है, नेट बीन्स के अंदर अल्ट प्लस इंसर्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा गेटर एंड सेटर का, ठीक है, मतलब हमें गेटर एंड सेटर बनाना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, गेटर एंड सेटर पे मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे अब देखो हमसे पूछ रहा है कि आपको कौन कौन से वेरिएबल्स का गेटर सेटर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल पे चेक करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और हमारे पास ऑप्शन आता है इनकैप्सुलेट फील्ड्स। इनकैप्सुलेट फील्ड्स का मतलब, फील्ड्स मतलब आपके पास जो ये प्रॉपर्टीज है, वेरिएबल्स है। इनकैप्सुलेट करने का मतलब कि यहाँ पे इसके इससे पहले प्राइवेट लगाना, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं उससे पहले प्राइवेट लगाना, ये इसका मकसद है। हमने प्राइवेट ऑलरेडी लगाया हुआ है तो हमें इसके ऊपर चेक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम डायरेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किए हुए होते हमने प्राइवेट कीवर्ड के बगैर, तब अगर हम इसके ऊपर चेक लगाते और जनरेट करते तो क्या होता, वेरिएबल से पहले प्राइवेट का कीवर्ड लग जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं जस्ट ऐसे ही जनरेट करता हूँ, लेकिन देखना जो हम जनरेट करते हैं सेटर एंड गेटर्स और जो हमें जावा का कंपाइलर बना के देता है वो कुछ अलग होता है। किस तरह से अलग होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट आईडी का सेटर और गेटर बना, सही है, मतलब जो सेटर है वो सिर्फ स्टूडेंट आईडी का है। हमने जो अपने सेटर गेटर बनाए थे वो सबके लिए, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबके लिए एक ही सेटर बनाया था, और जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबके को डिस्प्ले करवाने के लिए एक ही गेटर बनाया था। लेकिन यहाँ पे देखो अलग अलग है, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो ये जो सेटर एंड गेटर है, देखो प्रीफिक्स लगा हुआ है सेट एंड गेट, ठीक है, ये सिर्फ स्टूडेंट आईडी के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप नीचे आओ तो ये देखो ये सिर्फ स्टूडेंट नेम के लिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये सारे सेटर्स एंड गेटर्स हैं, ठीक है। ये तो है हमारे पास शॉर्ट तरीका, ठीक है, मतलब इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम इस शॉर्ट तरीके को नहीं आजमाते, हम करते हैं अपना, मतलब सेटर एंड गेटर जो हमने अपना बनाया था, क्योंकि उसमें सहूलत ये है कि एक ही सेटर बनता है और एक ही गेटर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, इनकैप्सुलेशन यूज कर रहे हैं तो सेटर एंड गेटर क्या होने चाहिए, पब्लिक होने चाहिए, ठीक है, पब्लिक। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सेट स्टूडेंट, सही है, ये मैंने इसका मेथड बना लिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। वेरिएबल्स हम यही यूज कर सकते हैं या फिर हम इसी से रिलेटेड अपनी मर्जी के भी वेरिएबल्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंट यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल ए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हमारा स्टूडेंट नेम के लिए स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के लिए ले लेता हूँ बी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे दोबारा स्टूडेंट एज के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इंट, ठीक है, और यहाँ पे इसको कह देता हूँ सी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे दोबारा स्ट्रिंग है, स्टूडेंट स्टैंडर्ड मतलब स्टूडेंट की क्लास, उसको मैं दे देता हूँ डी, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे लास्ट है हमारे पास फीस के लिए, तो फीस को मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ई, ठीक है, मतलब हम पूरे पूरे नाम इस दफा यहाँ पे सेट नहीं कर रहे, ठीक
ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मेरे पास स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू ए, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यही वाला गेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें दिस का कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, हम दिस का कीवर्ड तब यूज करते थे जब हम यहाँ पे ए की जगह भी नाम यही रखते थे स्टूडेंट आईडी, तब हम यहाँ पे दिस डॉट स्टूडेंट आईडी लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है क्योंकि ये बाहर वाला ही वेरिएबल अपने इसके अंदर सेटर के अंदर गेट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आता हूं, अब स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम के अंदर मैं असाइन कर देता हूँ वेरिएबल बी, ठीक है, सही है, जो कि स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे, अच्छा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं, सही है। फिर इसी तरह अब यहाँ पे आते हैं, दूसरा हमारे पास है स्टूडेंट, तीसरा एज, स्टूडेंट एज, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको इसको बराबर कर देते हैं हम सी के, क्योंकि वो इंटीजर रखा था हमने। फिर इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट स्टैंडर्ड, मतलब स्टूडेंट की क्लास, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसको अब बराबर कर देंगे डी के, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट आ गया हमारे पास स्टूडेंट फीस, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं ई के बराबर, ठीक है। मतलब अब क्या होगा, जो हमारा पहला पैरामीटर होगा ए, ठीक है, वो किसके अंदर असाइन हो जाएगा, जाके स्टूडेंट आईडी के अंदर। फिर जब हम देंगे बी, वो बी किस में असाइन हो जाएगा, जाके स्टूडेंट नेम। और ये पांचों वेरिएबल्स मैंने क्लास के, मतलब यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किए, सही ना, तो इसके अंदर जाके सारे सेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर अब आते हैं यहाँ पे, अब बनाते हैं गेटर, ठीक है। गेटर के लिए वही पब्लिक, पब्लिक वॉइड, और उसके बाद यहाँ पे गेट स्टूडेंट, सही है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल हमने अपना ये ऐड करवा, मतलब इसमें प्रिंट करवाने, जो वैल्यू सेट करवाई है वो प्रिंट करवानी है, ठीक है। ऐसा हो, यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको स्टूडेंट आईडी है, सबसे पहले स्टूडेंट आईडी इज, और यहाँ पे वेरिएबल हम कौन सा पास करवाएंगे, स्टूडेंट आईडी वाला जो ऊपर है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। फिर इसी को हम कॉपी करते हैं, सबके लिए हम प्रिंट करवा लेते हैं, यहाँ पे पांच चीजें हैं तो पांच चीजों के लिए हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आईडी है, फिर इसके बाद सेकंड है स्टूडेंट नेम, ठीक है, यहाँ पे आके इसको हम कर देते हैं स्टूडेंट नेम। फिर इसी तरह स्टूडेंट एज, सही है, और यहाँ पे हम कह देते हैं उसका वेरिएबल स्टूडेंट एज, ठीक है। और फिर यहाँ पे है स्टूडेंट क्लास, ठीक है। देखो क्लास में यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि क्लास हमारे पास ऑलरेडी कीवर्ड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट स्टैंडर्ड लिखा, ठीक है, क्लास नहीं लिखा, सही है। तो यहाँ पे आते हैं, सही है, यहाँ पे अब लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट स्टैंडर्ड, ठीक है, सही है। और यहाँ पे आके सबसे लास्ट है अब हमारे पास स्टूडेंट फीस, और यहाँ पे उसका वेरिएबल स्टूडेंट फीस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने सेटर गेट एंड गेटर्स बना लिए, ठीक है। तो अब अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, तो मैं सारा ये गेट करवा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको मेन मेथड के अंदर इस स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊ, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट है आमिर, ठीक है, न्यू, और यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आमिर ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, मैं सेटर और गेटर कॉल करवाता हूँ। सबसे पहले सेटर कॉल करवाता हूँ, ठीक है, सेट स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा देखो यहाँ पे ए बी एंड सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने सेट नहीं करवाया ना, तो हमें पता नहीं हमें क्या क्या सेट करवाना है। यही वजह थी, ये मैंने शॉर्ट तरीका किया, यही वजह थी कि पैरामीटर्स के अंदर मैंने यहाँ पे जब सेटर बनाया था तब मैंने पूरे पूरे नाम लिखता था, सही है ना। तो यहाँ पे अभी शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सेटर में आएगा स्टूडेंट आईडी, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी है 4, ठीक है। फिर यहाँ पे बी में स्टूडेंट नेम, नेम फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है आमिर खान, सही है। और फिर यहाँ पे तीसरी थी उसकी एज थी, आई थिंक, ठीक है, तो एज फॉर एग्जाम्पल हम इसको दे दें 26, ठीक है, स्टूडेंट तो नहीं लगता ये, 21 कर लेते हैं, सही है। अच्छा फिर इसके बाद चौथी चीज यहाँ पे क्या थी, सेटर के अंदर हम देख लेते हैं क्लास, ठीक है, क्लास, क्लास में हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, क्योंकि क्लास हमने स्ट्रिंग वेरिएबल रखा था स्टैंडर्ड के लिए, तो यहाँ पे मैं क्लास फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ इसको 11th, ठीक है, सही है। और यहाँ पे फीस, फीस फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको देता हूँ 2600 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
आप मैंने सेट करवा दिया, आप इसी मेथड के थ्रू मैं क्या करता हूँ गेट करवाता हूँ, ठीक है, गेट स्टूडेंट, सही है। तो अब अगर अभी यहां तक रन करूं, ठीक है, तो देखना जो मैंने सेटर के थ्रू वैल्यू सेट करवाई है वो गेट मेथड के थ्रू क्या होगा, मेरे पास रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, ये देखें जो वैल्यू सेट करवाई थी वो अब हमारे पास आ गई। लेकिन अब एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन लगाते हैं स्टूडेंट आईडी में कि भाई स्टूडेंट आईडी जीरो नहीं होनी चाहिए और लेस देन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो तो हमारे पास वो वैल्यू ना तो सेट करवाए ना गेट करवाए, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो फीस है, ठीक है, वो फीस आपके पास 2500 से बड़ी ही होनी चाहिए। अगर 2500 से कम होगी, लेस होगी, तब भी वो सेट भी नहीं करेगा और गेट भी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वो दोनों चीजें गलत डालता है, मतलब वो नंबर भी आपके पास नेगेटिव में डालता है स्टूडेंट आईडी और फीस भी 2500 से कम डालता है, तब आपके पास दोनों का मैसेज डिस्प्ले हो के इनवैलिड स्टूडेंट आईडी एंड इनवैलिड फीस, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं अपने सेटर के अंदर, ठीक है। तो अब मैं सेटर में यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक करवाता हूँ स्टूडेंट आईडी के लिए, ठीक है। स्टूडेंट आईडी के लिए मैंने कौन सा वेरिएबल बनाया था, ए, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको कहता हूं कि ए लेस देन एंड इक्वल टू अगर जीरो है, ठीक है, तो यहां पे मैसेज प्रिंट हो जाए, मैसेज प्रिंट हो जाए फॉर एग्जांपल इनवैलिड, इनवैलिड क्या शो हो जाए, इनवैलिड आपके पास ये स्टूडेंट आईडी, ठीक है, यहां पे हम कह देते हैं इसको इनवैलिड स्टूडेंट आईडी, ठीक है। फिर यहां पे दूसरी मैंने कंडीशन क्या दी थी, दूसरी कंडीशन दी थी मैंने फीस के लिए जो हमारा ई वेरिएबल है, मतलब दूसरी कंडीशन में हमने ये देना है कि जो हमारी फीस है ना वो 2500 से बड़ी ही होनी चाहिए, सही है, मतलब उससे नीचे होगी, एक नंबर भी कम होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 2500 भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, लेकिन 2500 से एक नंबर नहीं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एलसिफ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, सही है, एलसिफ स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर कंडीशन देता हूँ कि जो हमारा कौन सा वेरिएबल है ई, ठीक है, ये लेस देन अगर है फॉर एग्जाम्पल 2500 से, तब यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो जाए फॉर एग्जाम्पल क्या, इनवैलिड आपके पास फीस, ठीक है, सही है। और else में हमारा ये जितना भी कोड है, मतलब अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, मतलब अगर वो यहाँ पे जीरो से बड़ी कोई आईडी डालता है और 2500 या 2500 से बड़ी कोई वैल्यू डालता है, फीस डालता है, ठीक है, मतलब अगर दोनों ये इफ और else if की कंडीशन फेल हो जाए तो else के अंदर क्या हो हमारे पास, मैं else लगा देता हूं यहां पे, ठीक है, और यहां पे इसको बंद कर देता हूं else, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर इफ और इफ else की कंडीशन दोनों फेल हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी, तो हमारा कौन सा पार्ट चल जाएगा, यहाँ पे else पार्ट चल जाएगा, और else पार्ट में सारी वैल्यूज सक्सेसफुली सेट हो जाएंगी सेटर के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब यही काम मुझे गेटर के थ्रू भी करना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अभी रन करूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको मेन मेथड में स्टूडेंट आईडी फॉर एग्जाम्पल इसको देता हूँ -4, ठीक है, यहाँ पे आके रन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैसेज तो उसने डिस्प्ले करवाया इनवैलिड स्टूडेंट आईडी, लेकिन गेटर भी अभी चलाया। हम चाह रहे हैं कि अगर नेगेटिव हो ना तो गेटर भी नहीं चले, ठीक है, गेटर भी स्टॉप हो जाए। तो हमने जो ऊपर दो फंक्शंस ये इफ की कंडीशन लगाई है ना, ठीक है, ये हम नीचे भी लगाएंगे, ठीक है, कहाँ पे, गेटर के अंदर, ठीक है। तो यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आ जाता हूँ अपने गेटर फंक्शन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आके इस तरह से दे देता हूँ, ठीक है। और अब अच्छा, अब देखो यहाँ पे मुझे ए वेरिएबल नहीं देना, क्योंकि ए था स्टूडेंट आईडी के लिए, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट दूंगा स्टूडेंट आईडी, क्योंकि हम सेट करवा चुके हैं, सही है ना, हम वो जो वेरिएबल्स थे हमारी क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स, उनको हम वैल्यू सेटर के थ्रू सेट करवा चुके हैं। अब हम गेट करवा रहे हैं तो हम उनका एक्चुअल नाम देंगे, क्योंकि जो ए पैरामीटर था वो सिर्फ इस सेटर के अंदर था, ठीक है ना, उसका आर्ग्यूमेंट था। तो यहां पे अब आते हैं, ठीक है, ये गेटर है। और इसी तरह ई, ई के लिए हमने वेरिएबल बनाया था फीस का, स्टूडेंट फीस, सही है, ठीक है। और देखो मैसेज तो हम ऊपर सेटर में डिस्प्ले करवा चुके हैं, तो हमें यहां पे डिस्प्ले करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है,
यहाँ पे हमने जस्ट रोकना है उसे बस, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में मैसेज मैं डिस्प्ले नहीं कर पा रहा, ठीक है। और यहाँ पे अब फॉर एग्जाम्पल हमारा एक और एल्स आएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, अगर स्टूडेंट आईडी जीरो से जीरो के बराबर है या जीरो से छोटी है तब वो रोक दे बस। एरर तो सेटर के अंदर, फंक्शन के अंदर जो हमने यहाँ पे दिया ना वो एरर शो हो जाएगा, सही है। गेट के अंदर हमें दोबारा एरर शो नहीं करवाएंगे वरना दो दो दफा एरर मैसेज शो होगा, ठीक है, सही है। अब एल्स में आ गया, यहाँ पे मैंने सारा डेटा प्रिंट करवा लिया, ठीक है। लेकिन अभी आप रिजल्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आऊं, अभी मैंने मेन मेथड के अंदर माइनस फोर दिया हुआ है और यहाँ पे इसको रन करता हूं, ठीक है। देखो अब सिर्फ क्या आ रहा है, इनवैलिड स्टूडेंट आईडी, ठीक है। लेकिन अगर अभी मैं यहाँ पे इसको माइनस करूं, माइनस हटा रहा हूं और यहाँ पे 2600, ठीक है, इसको हमने क्या कंडीशन दी थी ऊपर सेटर एंड गेटर में कि 2500 से नीचे नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको फॉर एग्जाम्पल 2400 देता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूं तो अब यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, इनवैलिड फीस। लेकिन अगर दोनों गलत हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस फोर भी हो और यहाँ पे मतलब माइनस में वैल्यू भी हो और यहाँ पे फीस 2500 से कम भी हो, तब कौन सी स्टेटमेंट चलेगी आप देखना। यहाँ पे अगर मैं आऊं इसको रिफ्रेश करूं, अभी भी चल रही है इनवैलिड स्टूडेंट आईडी। मतलब हम चाह रहे हैं कि हमें मैसेज डिस्प्ले करवाए दोनों के लिए कि आईडी भी इनवैलिड है और फीस भी इनवैलिड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक चीज करेंगे जो हमने यहाँ पे इफ किया था सेटर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जो हमने इफ किया था, सही है। यहाँ पे मैं आता हूं, एक और इफ स्टार्ट करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे आके अब इसको कंडीशन देता हूं। एक कंडीशन तो आपकी यही है, सही है, यहां से हम कॉपी करके यहाँ पेज कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ एंड ऑपरेटर, सही है। और फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, फीस के लिए, वो मैं उठा के यहाँ पे दे देता हूँ एंड में, सही है। मतलब दो एंड हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करवाना हो, ठीक है। और यहाँ पे एंड अब मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो ना तब मेरा इफ का पार्ट चले, सही है। तो यहाँ पे अब मैं आता हूं और ऐसा आउट करके मैसेज प्रिंट करवाता हूं। देखो पहली कंडीशन क्या कह रही है कि जो फीस है, सॉरी जो आईडी है स्टूडेंट आईडी, वो जीरो के बराबर या जीरो से लेस देन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, फीस आपके पास लेस देन अगर है, ठीक है, मतलब किससे, 2500 से, तब आपके पास ये बॉडी चलेगी। मतलब अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होगी ना तब आपके पास ये बॉडी चलेगी, सही है, वरना जो नीचे मैंने else if लिखे है ना वो बॉडी चलेगी, ठीक है। तो यहां पे आता हूं मैं, इसको कहता हूं इनवैलिड, ठीक है, यहां पे आते हैं इनवैलिड स्टूडेंट आईडी एंड यहां पे इनवैलिड स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट फीस, ठीक है। मतलब दोनों यहाँ पे आपको मैसेज प्रिंट करवाए, ठीक है, क्योंकि दोनों गलत है, सही है, मतलब दोनों गलत भी है। लेकिन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो दूसरा इफ है ना इसको मैं else if कर दूंगा, सही है, क्योंकि पहला इफ है, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन नहीं चली, इसका मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन क्या है आपके पास, फॉल्स है, इसलिए ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी इफ की, तो फिर दूसरे पे आएगा else if में। अब चेक करेगा दोनों में से सिर्फ स्टूडेंट आईडी वाला चेक करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ये फीस वाला चेक करेगा। मतलब ये काम किस तरह से होगा ये देखना, अगर दोनों मतलब फीस जो स्टूडेंट आईडी है वो भी जीरो से लेस देन है और 25 से भी लेस देन है हमारी फीस, तब हमारा ये वाला बॉडी चलेगी इफ की, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ स्टूडेंट आईडी जीरो से लेस देन है, मतलब जीरो है या जीरो से लेस देन है, तब आपके पास ये वाली बॉडी चलेगी। फिर else if, अगर इसमें जो फीस है अगर वो 2500 से क्या है, कम है, तब ये वाली बॉडी चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी हमारे पास, एक सेकेंड, ठीक है, ये सेटर में थे हम, ठीक है। लेकिन मतलब अगर ये तीनों कंडीशन फेल हो जाए, मतलब आपके पास दोनों कंडीशन उसने सही दी है या एक कंडीशन उसने बिल्कुल सही दी है, मतलब इफ else if और दूसरा तीसरा else if, अगर इसमें सारी कंडीशंस आपकी फेल हो जाए, फॉल्स हो जाए,
तब हमारा कौन सा पार्ट चलेगा, else पार्ट चलेगा, और else पार्ट में क्या हो रहा है, सारी वैल्यूज सेट हो रही है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पे आऊं अपने मेन मेथड के अंदर और यहां पे इसको रन करवाऊं, सही है, यहां पे देखो अभी मैंने क्या किया हुआ है, माइनस फोर भी दिया हुआ है और मतलब नेगेटिव में भी स्टूडेंट आईडी दी हुई है और 2500 से भी मैंने कम वैल्यू दी हुई है फीस। तो यहां पे आके अब अगर मैं रन करता हूं तो मैसेज क्या प्रिंट करवा रहा है, इनवैलिड स्टूडेंट आईडी एंड फीस, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे फीस को ज्यादा कर दूं, मतलब फीस की कंडीशन मैंने सही कर दी, लेकिन अब किसकी कंडीशन है खराब, फॉल्स किसकी है, मतलब ट्रू किसकी कंडीशन हो रही है, नेगेटिव वाली। तो यहां पे अगर मैं इसको रन करूं तो अब बता रहा है इनवैलिड स्टूडेंट आईडी, लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे नेगेटिव बढ़ा दूं, मतलब स्टूडेंट आईडी को मैं इसकी कंडीशन क्या कर रहा हूँ, फॉल्स कर रहा हूं, और यहां पे मैं इसको 2400 कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे आके इसको रन करता हूं तो अब ये क्या बताएगा, सिर्फ इनवैलिड फीस, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, आपके पास जो सारी कंडीशंस थी वो आपके पास ट्रू हो रही है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल एज के लिए करना चाहो, एज के लिए क्या करना चाहो कि भाई जो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 15 साल से बड़ा है, ठीक है, वो आपके पास एक्सेप्ट हो वरना ना हो, तो ये आप क्या करोगे, सिंपल एक एलसीफ यहाँ पे जो सेटर के अंदर हमने बनाया, एक एलसीफ और बन जाएगा सिंपल, ठीक है। और अगर तीनों आपके पास गलत हो तो यहाँ पे एक और एंड ऑपरेटर लग जाएगा और फिर उसकी कंडीशन आ जाएगी किसकी, एज की, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो, सही है, क्लियर है।